नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूँ आपके साथ अनु सिंह। पतंजलि आयुर्वेद ने मंगलवार को 535 रुपए में दिव्य कोरोना किट लॉन्च की। बाबा रामदेव ने दावा किया कि इससे 100% COVID-19 के मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन लॉन्चिंग के बाद ही ये दवा विवादों में घिर गई और अब बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को उत्तराखंड की आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है। क्या है इस नोटिस में, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के लिए पतंजलि के द्वारा बनाई गई कोरोनिल दवाई लॉन्च होते ही विवादों में घिर गई। मंगलवार शाम स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने दवाई लॉन्च की, लेकिन बाद में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने दवाई के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी। इसके बाद बुधवार को बाबा रामदेव की दवा को एक और झटका लगा है। इस बार उत्तराखंड की आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी ने बाबा की दवा पर सवाल उठा दिए हैं। अथॉरिटी के उप निदेशक यतेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को कोरोना की दवा के लिए नहीं बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर और खांसी जुकाम की दवा के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें मीडिया के जरिए ये पता चला कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि द्वारा कोरोना की किसी दवा का दावा किया जा रहा है, लेकिन उन्हें इम्यूनिटी बढ़ाने वाली और खांसी जुकाम की दवा के लिए ही लाइसेंस जारी किया गया था। यतेंद्र रावत ने कहा कि भारत सरकार का निर्देश है कि कोई भी कोरोना के नाम पर दवा बनाकर उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। आयुष मंत्रालय से वैधता मिलने के बाद ही ऐसा करने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल विभाग की ओर से पतंजलि को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। मंगलवार शाम बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने देश के तमाम मीडिया संस्थानों के सामने एक बड़े कार्यक्रम में कोरोना की दवाई बनाने का दावा किया था, जिसमें रामदेव ने बताया कि उनकी दवाई की क्लिनिकल जांच भी की गई है। बाबा का दावा था कि क्लिनिकल टेस्ट में दवा से 100% सफल परिणाम सामने आए हैं। हालांकि लॉन्च होने के बाद से ही पतंजलि की ये दवा कोरोनिल विवादों में है। ये भी हैरान करने वाली बात है कि कंपनी को सर्दी जुकाम और खांसी की दवा बनाने का लाइसेंस मिला है और उसने इस लाइसेंस के जरिए बनी दवा को कोरोना के नाम पर लॉन्च कर दिया। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को सर्दी खांसी की दवा और इम्यूनिटी बूस्टर बनाने के लिए लाइसेंस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कोरोना के नाम पर दवा लॉन्च कर दी। अब बाबा को उत्तराखंड की आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी के नोटिस का जवाब देना होगा। तो बाबा रामदेव की दवा तो विवादों में घिर गई है, लेकिन फिर भी ट्विटर पर बाबा रामदेव को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की मांग आखिर क्यों की जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। पतंजलि आयुर्वेद ने आयुष मंत्रालय से अनुमति लिए बिना दिव्य कोरोना किट लॉन्च कर दी। दावा किया गया कि ये कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में कारगर है। लॉन्चिंग पर मौजूद बाबा रामदेव का दावा था कि ट्रायल के दौरान इस दवा से 7 दिन के भीतर सारे मरीज ठीक हो गए। हालांकि आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोना किट के विज्ञापन पर रोक लगा दी। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पतंजलि की इस दवा के चर्चे हैं। कुछ लोग इसे आयुर्वेद की उपलब्धि करार दे रहे हैं, तो कुछ ने रामदेव के इरादों पर सवाल उठाए। एक धड़ा रामदेव को नोबेल पुरस्कार तक देने की बात कर रहा है। कई एलोपैथिक पेटिशनर्स ने कहा है कि ये सरासर फ्रॉड है और इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। कुछ डॉक्टर्स ने ट्वीट किया कि बिना सख्त पीआर रिव्यू के कोई दवा कैसे लॉन्च की जा सकती है। कुछ ने आरोप लगाया कि पतंजलि ने सरकार की शह पर ऐसा किया। वहीं एक बड़ी संख्या ऐसे यूजर्स की है जो इस पूरी घोषणा पर मौज ले रहे थे। कुछ ने तो 100% ट्रीटमेंट का दावा करने वाले रामदेव को मेडिसिन का नोबेल देने की मांग कर डाली, तो कुछ ने कहा कि अगर ये दवा फर्जी निकलती है तो रामदेव को जेल में डाल देना चाहिए। सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना के बीच बाबा रामदेव ने भी एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का विरोध एवं नफरत करने वालों के लिए घोर निराशा की खबर। बाबा रामदेव ने इस ट्वीट के साथ आयुष मंत्रालय का एक पत्र भी अटैच किया। दरअसल पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण ने इस बारे में कल मंत्रालय को एक पत्र लिखा था। इसके जवाब में आयुष मंत्रालय ने आचार्य बालकृष्ण को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि उसे दवा के क्लिनिकल ट्रायल संबंधी सभी दस्तावेज मिल गए हैं। मंत्रालय शोध के नतीजों के सत्यापन के लिए इन दस्तावेजों का अध्ययन करेगा। तो साफ है कि अभी कोई क्लियरेंस नहीं है। अब देखना होगा कि बाबा रामदेव की दवा पर आयुष मंत्रालय क्या निर्णय लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तुम्हारी इस खास पेशकश में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।